हेलो एवरीवन, प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने देखा कि के मैप एक ग्राफिकल मेथड है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर जो भी नंबर ऑफ सेल्स हम लेते हैं उन सेल्स के एड्रेसेस हमें कैसे लिखने हैं, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें दिया है, कोई भी ट्रुथ टेबल दी है हमें, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वन या जीरो कैसे इसके अंदर रिप्रेजेंट करने हैं, कैसे फिल करना है के मैप को। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उनको रिप्रेजेंट करने के बाद हमें उसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। ग्रुपिंग करने के बाद हम देखेंगे कि उसके लिए हम मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखें। जैसे यहां पर ये कोई थ्री वेरिएबल के मैप है, ये कोई फोर वेरिएबल के मैप है, तो यहां पर आप रिप्रेजेंटेशन देखें, उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन है। मैंने एमएसबी यहां पर लिया है, ये एमएसबी है, ये एलएसबी है, ये सारे के सारे टर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की है। अब हम देखते हैं कि यहां पर ये कोई थ्री वेरिएबल के मैप है। थ्री वेरिएबल मींस के नंबर ऑफ स्टेट्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 8 रहेंगे। अब इन सेल्स के एड्रेसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, जैसे ये 000 मिलके यहां पर इस सेल का एड्रेस 0 है, इसका एड्रेस 1 है, ये 010 मिलके यहां पर दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, और फिर यहां पर 4 है, ये 5 है, एंड दिस इज 6 और ये 7। अब यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने ली है, ये ग्रे कोड के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो भी एडजेसेंट सेल हैं उसमें एक वेरिएबल का डिफरेंस होगा। यदि इसकी कॉमन टर्म हम लिखे, मान लो ये ए बी, दिस इज फॉर ए बी, दिस इज फॉर ए बी, ए बी हम कॉमन टर्म लेते हैं, यहां पर ये सी के लिए है। अब इन सेल्स में हमें क्या देखना है कि जो भी एडजेसेंट सेल्स हैं उनमें वन वेरिएबल का डिफरेंस है। जैसे इसमें हम देखें, यहां पर ए दोनों में कॉमन है बट यहां पर बी जो है वो डिफर करता है। इसी तरह से इन दोनों में यदि हम देखें तो यहां पर बी सेम है बट ए जो है वो वेरी करता है। इसी तरह से हर सेल में एक बिट का डिफरेंस है, आप किसी भी सेल में चेक करेंगे तो जो भी के मैप है वो रूल ऑफ एडजेसेंसी फॉलो करता है। रूल ऑफ एडजेसेंसी क्या है कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनमें वन वेरिएबल का डिफरेंस होगा, और इस वन वेरिएबल की वजह से क्या होगा, जो हमें पता है कि a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 के बराबर है। यहां पर जो भी डिफर करते हैं, जैसे यहां पर 0 और 1 है, इट मींस कि ये b बार से रिप्रेजेंट होगा और ये b से रिप्रेजेंट होगा, तो इनकी वैल्यू 1 आ जाए। तो भाई ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुपिंग हमें एडजेसेंट सेल में करनी है। जैसे इन दोनों सेल्स को हम देखें तो इन दोनों सेल में वन वेरिएबल का डिफरेंस है। यदि हम इसकी ग्रुपिंग करें यहां पर, इन दोनों सेल्स के लिए चेक करें यहां पर, तो इसके लिए हम देखेंगे जो ए बी और सी है उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज मिलेगा आपको। इनमें यदि हम देखें तो 10 कॉमन है इन दोनों सेल्स के लिए, जो सी है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है इन दोनों के लिए। यहां पर इन दोनों के लिए सी की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, 0 और 1 के बीच में। उसी तरह से यदि हम इन दोनों सेल्स को चेक करें, ये जो दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स में जैसे एडजेसेंट सेल्स हैं तो इसमें भी वन वेरिएबल का डिफरेंस आपको मिलेगा, वन वेरिएबल वेरी करेगा सिर्फ ए बी और सी में। अब यहां पर हम देखें, जैसे यहां पर इन दोनों सेल्स के लिए सी कॉमन है, इसी तरह से यहां पर हम देखें बी भी कॉमन है, सिर्फ ए वेरी करता है इन दोनों एडजेसेंट सेल्स के लिए। तो किसी भी सेल को हम लेंगे तो एडजेसेंट सेल वन वेरिएबल से डिफर करेगा, तो हमें एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग करनी है। जैसे इन दोनों सेल्स में वन वेरिएबल का डिफरेंस है, उसी तरह से इन दोनों सेल्स में भी, इसी तरह से इनमें, इसी तरह से इनमें। यदि हम ये सेल नंबर 5 और सेल नंबर 1 हम देखें तो इन दोनों के अंदर ये 5 और 1 है, जो यहां पर भी वन वेरिएबल का डिफरेंस मिलेगा। यदि हम इस साइड में रो वाइज देखें तो यहां पर C1 जो है, C जो है वो कॉमन है इन दोनों सेल्स के लिए, और यदि इस साइड में हम देखें कॉलम वाइज तो इनके अंदर क्या है, बी की वैल्यू सेम है और सिर्फ ए जो वेरिएबल है वो चेंज कर रहा है। इट मींस कि इनके अंदर भी सिर्फ वन वेरिएबल का चेंज है, तो इस 5 और 1 सेल को भी हम ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह से इस 0 और 4 को भी हम ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी है, जो भी एडजेसेंट सेल्स हैं उनकी ग्रुपिंग होगी और जो कॉमन टर्म है वो एज ए रिजल्ट हम लिखेंगे, बिकॉज जो भी वेरिएबल वेरी करेगा उसके लिए तो क्या आ जाएगा, a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इज इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1। सो जो भी वेरिएबल कॉमन है वो हम रिजल्ट में लिखेंगे। तो अब इस फोर वेरिएबल के मैप में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी है और उस ग्रुप के लिए हमें कैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ये कोई फोर वेरिएबल के मैप है, उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर लिया है एमएसबी साइड में और
एलएसबी इस साइड में लिया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम एमएसबी यहां पर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वर्टिकली सेल्स वेरी करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 इनकी काउंटिंग वेरी करती है। यदि हम यहां पर ले एमएसबी को, ए बी यहां करें और सी डी यहां करें तो हॉरिजॉन्टली वेरी करेगा, इस साइड में 0, 1, 2, 3 आ जाएंगे। तो आप इनके एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली यहां पर इनके सेल्स के काउंटिंग को लिख सकते हैं। अब ये काउंटिंग हमने इनके अकॉर्डिंगली लिखे जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि एडजेसेंट सेल्स में यदि हमें दे रखा है तो हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है बेसिकली। तो मान लो हम एसओपी फॉर्म के लिए इसको लिखें, एसओपी फॉर्म मीन सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हमें पता है कि जो जीरो है उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं और वन को सिंपल वेरिएबल से, तो कॉम्प्लीमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जीरो जीरो है तो क्या आ जाएगा, ए बार बी बार, उसी तरह से दिस इज ए बार बी और ये क्या आ जाएगा ए बी एंड दिस इज ए बी बार। उसी तरह से हम इनके लिए लिख लेंगे यहां पर, दिस इज फॉर सी बार डी बार, दिस इज फॉर सी बार डी एंड दिस इज सी डी एंड दिस इज सी डी बार। तो अब यहां पर कोई भी हमें एडजेसेंट सेल्स के अंदर, अब यहां पर एसओपी फॉर्म है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, तो एसओपी जो एक्सप्रेशन है वो लॉजिकल हाई के लिए लिखते हैं, वन के लिए लिखते हैं। तो जो भी हम फिल करेंगे के मैप में एसओपी फॉर्म के लिए वो वन करेंगे, और यदि पॉस फॉर्म हम लेते हैं तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन जीरो है। तो अब यहां पर हम मान लो यहां पर ये वन है और यहां पर भी वन है, ये दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं। तो यहां पर दोनों वन वन है, तो मान लो हमने यहां पर इनकी ग्रुपिंग की है, तो हम यहां जो भी ग्रुपिंग करेंगे वो 2 raised to the power के अकॉर्डिंगली करेंगे। जैसे हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 का ग्रुप बना सकते हैं, 8 का ग्रुप बना सकते हैं और 16 का ग्रुप बना सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल अकॉर्डिंगली हमने ले रखा है, जैसे यहां पर हमने 4 वेरिएबल्स हैं, तो इट मींस कि मैक्सिमम ग्रुप कितने का बन सकता है, 16 का बन सकता है। और यदि 3 वेरिएबल हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम 8 सेल्स होते हैं, तो मैक्सिमम ग्रुप उसमें कितने का बनेगा, 8 का। अब यहां पर है कि जो भी हम यहां पर ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप के अंदर, जैसे 2 1s का ग्रुप हमने कोई बनाया है, ये जो ग्रुप है, तो इसके अंदर वेरिएबल जो है वो लेस हो जाते हैं जैसे। तो लेस वेरिएबल कितने होंगे यहां पर, जैसे इस 1 1 का हमने ये ग्रुप बनाया, तो इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, बेसिकली लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे आएगा जैसे यहां पर। तो हम इसके अकॉर्डिंगली यहां जैसे 2 सेल्स हैं, तो यहां हम दोनों कॉलम्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो यहां पर ए बार बी है और यहां पर ए बी है। इसमें ए वेरी करता है, वेरिएबल है, बट बी जो है वो कॉमन है, इसलिए हम यहां पर कॉमन टर्म लेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म है जैसे ए बार प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसके लिए इस ग्रुप के लिए, जैसे इस ग्रुप के लिए हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहां पर फर्स्ट बिट हमारे पास क्या है, जो भी इन दोनों में कॉमन है वो क्या कॉमन है, यहां पर बी कॉमन है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बी। एक बिट क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। उसके बाद हमने इस साइड में यहां पर रो वाइज हम क्या ऑक्यूपाई करते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही रो है और उसका एड्रेस है सी बार डी, तो सी बार डी। तो इस तरह से जो भी 2 का ग्रुप बनाया हमने, 2 1s का ग्रुप बनाया, 2 adjacent 1s का ग्रुप बनाया, तो उसके लिए जब हम लिखेंगे तो यहां पर 3 वेरिएबल आते हैं, मींस कि ये टोटल वेरिएबल कितने थे हमारे पास, इसमें 4 वेरिएबल थे ए बी सी डी, बट यहां पर 3 वेरिएबल आते हैं। तो कोई भी 2 1s का ग्रुप है उसके अंदर वेरिएबल जो लेस होगा वो 1 वेरिएबल लेस हो जाता है, वहां पर 1 वेरिएबल जो है वो लेस हो जाता है, सिर्फ 3 वेरिएबल रह जाते हैं। इसके बाद मान लो कोई 4 का ग्रुप है, जैसे मान लो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और ये ऑलरेडी 1 है यहां पर, तो इस तरह से हम कोई 4 का ग्रुप बनाए, तो इस 4 के ग्रुप के लिए हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहां पर यहां जैसे 2 कॉलम यूज कर रखे हमने, तो क्या है यहां पर ए बार बी बार, इस साइड में ए बार बी, तो जो कॉमन टर्म है वो लिखेंगे हम, कॉमन टर्म क्या है इसमें, ए बार। सो इसके लिए एक टर्म क्या आ जाएगी, ए बार। और इसी तरह से यहां पर भी इस साइड में हमने रो भी 2 ऑक्यूपाई कर रखे, इन दोनों रोज में जो भी कॉमन टर्म है यहां पर क्या कॉमन है, सी बार, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, सी बार, तो यहां पर सी बार लिखेंगे, ए बार सी बार। तो इस तरह से भी 4 का कोई ग्रुप है तो उसके लिए हम ए बार सी बार लिखा हमने, इट मींस के जो भी वेरिएबल थे हमारे पास, जैसे 4 वेरिएबल थे ए बी सी डी, तो इसमें 2 वेरिएबल कम हो जाते हैं, सिर्फ 2 ही बचते हैं,
तो कोई भी फोर वंस का ग्रुप हम बनाएंगे तो उसके अंदर कितने वेरिएबल कम हो जाते हैं, टू वेरिएबल कम हो जाते हैं। इसी तरह से मान लो हम कोई एट का ग्रुप बनाए यहां पर इस तरह से, मान लो ये वन 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 वन, तो ये कोई एट का ग्रुप हमने यहां पर बनाया इस तरह से। इस एट के ग्रुप के लिए अब हम लिखना चाहेंगे तो इस एट के ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर इस तरह से, पहले हम इसको कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम कितने ऑक्यूपाई किए हैं, इट मींस कि इसने चारों कॉलम ऑक्यूपाई किए हैं, इट मींस के चारों कॉलम में ए और बी दोनों वेरी करके वन हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या लेना है, इस साइड में जो दो रो इसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, इन दो रो में हम कॉमन टर्म देखेंगे और कॉमन टर्म यहां पर क्या है, सी, कॉमन टर्म है यहां पर सी। तो इस एट के ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा यहां पर जो हम लिखेंगे, क्योंकि इस साइड में जो भी चारों कॉलम हमने ऑक्यूपाई किए हैं उसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और सिर्फ इन दो रो के लिए हम कॉमन टर्म देखेंगे, ये सी कॉमन है तो सी इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसके लिए टोटल यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन हम देखना चाहें, इससे पहले हम देखें कि यहां वन है, इट मींस के थ्री वेरिएबल इसके अंदर कम हो गए, सिर्फ एक ही वेरिएबल आया है ए बी सी डी में से। तो यदि ग्रुप एट वंस का ग्रुप है कोई, तो इसके अंदर थ्री वेरिएबल कम हो जाते हैं, ये वेरिएबल लेस हो जाते हैं। टू का जब ग्रुप बनाया था हमने, सिर्फ एक वेरिएबल लेस हुआ था। फोर का जब ग्रुप बनाया तो दो वेरिएबल लेस हो गए। एट का ग्रुप बनाया तो थ्री वेरिएबल लेस हो गए। इट मींस जब हम 16 का ग्रुप बनाएंगे, 16 वंस का हम ग्रुप बनाएंगे, तो उसके अंदर जैसे हमने 16 वंस का क्या होगा कि सारे के सारे वंस हो जाएंगे। जैसे इस साइड में चारों कॉलम ऑक्यूपाइड थे, इसी तरह से इस साइड में भी चारों रो ऑक्यूपाइड होंगी। इट मींस के इस साइड में भी वन आएगा, उस साइड में भी वन आएगा, तो उसका रिजल्ट वन रहेगा। वन रिजल्ट मींस के चारों जो वेरिएबल है वो लेस हो जाते हैं। जब फोर वेरिएबल में 16 का ग्रुप बनेगा तो चार वेरिएबल उसके अंदर लेस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ग्रुप बढ़ता जा रहा है हमारा, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जा रहा है उसी तरह से वेरिएबल कम होते जाते हैं। तो बेसिक हमारा मकसद क्या है कि वेरिएबल को कम करना है, मिनिमाइजेशन करना है, इसलिए ये मिनिमाइजेशन टेक्निक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मैक्सिमम ग्रुप जो है वो देखेंगे कि मैक्सिमम ग्रुप कितने का है। कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस किस ग्रुप में है। मान लो उसमें कोई 16 का ग्रुप है, 16 का नहीं है तो देन हम चेक करेंगे कि कोई 8 का ग्रुप है, 8 का भी ग्रुप नहीं है, देन हम चेक करेंगे कोई 4 का ग्रुप है, 4 भी नहीं है, देन हम चेक करेंगे कोई 2 का ग्रुप है, और यदि 2 का भी नहीं है तो हम 1 का चेक करेंगे। सिर्फ 1 को हम क्या लिख देंगे कि 1 है, और 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, मान लो 1 कोई टर्म है तो इस साइड से दोनों ही टर्म आएंगे ए बी बार और इस साइड से सी बार डी बार। तो इस तरह से हमें इनके लिए एक्सप्रेशन लिखना है। अब जो भी एडजेसेंट टर्म है, जैसे आप ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, इसको आप बीच से फोल्ड मान सकते हैं, यहां पर मिरर इमेज मान सकते हैं। तो जो भी ब्लॉक जैसे यहां से फोल्ड हो गए बीच में, यहां से हमने फोल्ड कर दिया इसको, जो भी ब्लॉक जो भी सेल सुपर इंपोज होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएगी। तो सुपर इंपोज यदि यहां से हम इसको फोल्ड कर दें तो ये आपस में सुपर इंपोज हो रहा है और ये आपस में सुपर इंपोज हो रहे हैं इस साइड से। इसी तरह से यदि यहां बीच से फोल्ड इसको कर दें तो ये यूं आएगा, तो ये सारे आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट आएंगे, इनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। और ग्रुपिंग हम मैक्सिमम से शुरू करेंगे, देन हम लोअर नंबर्स तक आएंगे कि कितने की ग्रुपिंग हमें करनी है। मान लो यहां पर कोई वन थे टू इस तरह से, तो इन टू की ग्रुपिंग, जैसे यहां भी फोर की ग्रुपिंग हो रही है, बट इस तरह से हम इनको यहां टू और यहां पे टू आमने सामने की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको ग्रुपिंग करनी है एडजेसेंट नंबर्स की, और इस तरह से आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर टाइप के एग्जांपल हम करेंगे, इसलिए सारे के सारे वीडियोस को आप शुरू से आखिर तक देखें।